मिरर गंदा होगा बट मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिस इज हैपनिंग. सपना, ड्रीम, ख्वाब. इस आम लड़के का सपना इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने का, इस दुनिया में मुस्कुराहटें फैलाने की, इस दुनिया में और प्यार बांटने का सपना. जरिया था और है तो बस ये एक फ़ोन और एक ट्राईपॉड, एक इंटरनेट कनेक्शन और सीखने की आग, अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करने की भूख और एक कदम लेने का जज्बा. अनजान इस बात से कि शुरुआत होगी कहाँ से, लोग मुझे क्यों देखेंगे, लोग मेरी क्यों सुनेंगे, चीज़ें सीखूंगा कहाँ से, मोबाइल से क्वालिटी बनेगी कैसे, और कई सारे अनगिनत सवाल. जवाब था एक कदम. एक कदम उस रास्ते पे जहाँ कभी तेरी रूबरू नहीं हुई है, जहाँ सब कुछ नया सा लगेगा. अपने सपनों के पीछे भागने का मज़ा और हार जाने का डर दोनों लड़ेंगे, पर तूने चुना है ये रास्ता जहाँ तू किसी को नहीं पहचानता और पहचान तुझे खुद की माँ बनानी है. तो फिर तैयार है उस एक कदम को अपने सपनों की ओर लेने के लिए. आई लिटरली कांट, मतलब अनरियल लग रहा है. आई एम शब्द नहीं है भाई मेरे पास यार. आई डोंट हैव वर्ड्स, आई लेजिट डोंट हैव वर्ड्स नाउ. लाइटिंग अच्छी आ रही थी ऊपर से, मुझे बोलना था पर मैं लेट हो रहा था. बट वी आर वेरी क्लोज टू 1000, 31 July 2021 शाम के 6:30 बज रहे. वी आर वेरी क्लोज टू 1000 एंड या वाओ. मतलब एक बंदा जो अपने घर से अपने इस फोन से वीडियो बनाता है, ना माइक है, ना लाइट है, ना कुछ फैंसी इक्विपमेंट्स, ना कैमरे वैमरे, कुछ सिंपल सा एक फोन, उससे वीडियो बना रहा है और आप लोग तक पहुंच पा रहा है. मतलब मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग कितना मतलब रिलेट कर पाते हो वीडियोस के साथ, आप लोग कुछ सीख पा रहे हो वीडियोस से. मतलब यही सबसे बड़ा मेरा, क्या बताऊँ, मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए. मतलब मेरे दोस्त सबने इतनी जो मदद की है, स्पेशली चित्रयुद्ध. आप लोग अगर नहीं जानते चित्रयुद्ध को, देन IIT JEE वाली वीडियो हो गई, VNIT वाली वीडियो हो गई, या फिर एक और वीडियो थी, तो मतलब उन सारे वीडियोज में, डे इन द लाइफ वाली भी, उन सब में उसने मेरी इतनी मदद की. लाइक मेरे पास एक फोन और एक जस्ट फ्लेक्सिबल गोरिल्ला पॉड है, उसके पास लाइट्स है, उसके पास माइक है, उसके पास एक प्रॉपर कैमरा है जिसका यूज हालांकि हम लोग बहुत कम करते हैं, बहुत कम, बट उसके लाइट्स एंड माइक से मेरा पूरा लाइक जो गेटअप था, जो पूरा सेटअप बोलो, गेटअप बोलो, जो भी बोलो, सेटअप कुछ नहीं, घर का एक टेबल था उसी को ही, उसको नेक्स्ट लेवल लेके चले गए. अगर वो नहीं होता मेरे वीडियोस की क्वालिटी इतने बढ़ नहीं पाते. हम लोगों ने इतना कुछ साथ साथ सीखा है. मेरे बाकी सारे दोस्त भी हो गए जिनने मेरी इतनी मदद कर रखी है, मतलब मैं अगर नाम लेना शुरू करो उनका खत्म नहीं होगा. क्योंकि एक चीज होता है ना कि यार आपको सपोर्ट मिल रहा है इतने दोस्तों का, हाँ इंटरनेट पे लोगों का सपोर्ट आ रहा है, बट जब पहले था, जब इंटरनेट पे उतना कुछ हुआ नहीं था, 300, 350, 300, 300, 348 पे जब था, तब तक जितने लोगों ने सपोर्ट किया, 2-4 नए लोग आए थे जिन्होंने मुझे यूट्यूब से ही ढूंढा, दे रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, जब मेरा 300, 350 ही थे कुछ लोग. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनके बारे में. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर द नेम, सार्थक बोल के एक जन है, देन ध्रुव बोल के एक जन है, एंड देन यूट्यूब पे 350 में जब था, एक बंदे ने कमेंट भी किया था, लाइक ही केम फ्रॉम साकेत गोखले स्टूडियो. मेरे को लाइक समवन हु इंस्पायर्स मी अ लॉट ऑफ टू गो आउट देयर, गिव माय बेस्ट, कंसिस्टेंसी के लिए इंस्पायर करता है, दैट इज साकेत गोखले. वीडियोज के जो लाइक क्वालिटी होता है, वीडियोज का जो प्रोडक्शन लेवल होता है, समवन इंस्पायर्स मी टू रीच आउट टू दैट लेवल, इज पारितोष आनंद. सो लाइक साकेत गोखले के कमेंट सेक्शन से एक बंदा आया था,
एंड उसने बहुत अच्छा लाइक रिव्यू दिया था मुझको एंड याद है, मतलब ये कुछ कुछ चीजें होती है ना याद रह जाती है, मतलब दिन थे जब मैं डेली वीडियोस बनाता था हर दिन 100 व्यूज आ रहे, एक दिन 70 पे रुक गया था तो थोड़ा सा खराब लगा था कि यार 3 डिजिट क्रॉस नहीं हो पाया आज, तो ठीक था कि अच्छा चलो 70 लोगों ने तो देखा वो वाली वीडियो। अभी मुंबई में हूँ, लोगों को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, इधर शहर अनजान है, रास्ते अनजान है, पर इरादे तो पुराने हैं ना कि यार एक हंसी इस दुनिया को मैं कैसे 1% भी हो सके तो बेहतर बना सकता हूँ, क्योंकि यार हम हर 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 एक लोग अगर 1% जस्ट दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें, सोचो ना यार कितनी खूबसूरत हो जाएगी ये जगह रहने के लिए। वही एंड दिस इज व्हाट दिस चैनल इज ऑल अबाउट यार, मतलब आई जस्ट वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बिट हैप्पियर प्लेस जितना भी मुझसे हो सके। इंस्पायर गलत वर्ड होगा बिकॉज आई एम स्टिल इवॉल्विंग, मतलब एंड ह्यूमंस कीप ऑन इवॉल्विंग, जितने साल भी जीते अगर आप क्या बोलते हो उसको, अगर आप लाइक ग्रो करना स्टॉप कर जाते हो देन रुकना भी इम्पोर्टेंट है कभी कभी जिंदगी में कि अच्छा चलो बैठ के सांस ले रहे, बट उतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ पढ़ना। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट देयर स्प्रेड दिस मैसेज कि यार पता नहीं मैं कैसे बोलूंगा, लाइक आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस मैसेज ओनली कि चलो ना यार अपनी जिंदगी को 1% बेहतर बनाते, कल सुबह उठ के कुछ नया एक्सपीरियंस करते, एक मेमोरेबल चीज करते कि यार याद रहे भाई कि हाँ चलो ऐसा किया था हमने कुछ, तो वही है भाई। आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड एज मच स्माइल्स, पॉजिटिविटी, लव, पावर, जो भी बोल लो आई कैन, मतलब फील्स लाइक अ ड्रीम एंड ये अभी शुरुआत है भाई, ये अभी शुरुआत है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू आर नॉट गोना स्टॉप। IIT JEE एक फेज था, उसके बारे में मुझे जितनी भी बातें करनी थी, मेरी कहानी मेरे अंदाज में मुझे आप तक पेश करनी थी, मैंने की। उन एक साल में मैंने जितनी भी बातें सीखी उस एक वीडियो में मैंने आपको बताई, मैं उसके बारे में 10-15 वीडियो सेम टॉपिक को ही खींच के बना के मैं क्या करूं। एंड काफी जन के दिमाग में हो सकता है कि ये चैनल एज अ JEE चैनल लेबल हो गया, बट ये एक JEE चैनल नहीं है। IIT JEE को छोड़ के जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सपने, बहुत सारे पैशन हैं, एंड उन्हीं रास्तों के पीछे, उन्हीं ख्वाबों के पीछे, उन्हीं इरादों के पीछे हम भागने वाले हैं यहाँ पे।